Gentlemen, when it comes to the politics surrounding the entire consecration ceremony, now what we are learning is that there is a massive controversy that has erupted in Bihar with the poster that has been put up by RJD workers. Now, as we are pointing out, many of the RJD's allies have already accused the BJP of politicizing the entire event. Now, this poster that has been put outside Rabri Devi, the former Chief Minister of Bihar, her home. Now, this poster that has been put up by RJD workers, this says, "Mandir means mental slavery and Mandir bells lead to superstitions." That's the piece of break news that's coming in. More controversial statements coming in from the opposition camp. And here is another statement that has come in from another opposition party. This is the RJD. The RJD has said that when it comes to the entire campaign surrounding the Ram Mandir, Mandir means mental slavery and Mandir bells lead to superstition. So, casting aspersions when it comes to the entire Ram Mandir ceremony that is taking place in Ayodhya, the consecration ceremony on the 22nd of January. My colleague Chandramohan gets us this report. अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह का एक नया पोस्टर सामने आया है जो राबड़ी देवी के आवास के ठीक सामने लगा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह पोस्टर सावित्री बाई फुले के जयंती समारोह के मौके पर लगाया गया है और ये कार्यक्रम जो है वो डेहरी में आयोजित की गई है जो 7 तारीख को है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो राबड़ी देवी का आवास है 10 सर्कुलर रोड, उसके ठीक सामने यह पोस्टर लगा है जिसमें लिखा हुआ है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये आरजेडी के तत्वाधान में जो सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई जा रही है 7 जनवरी को, उससे पहले यह पोस्टर फतेह बहादुर सिंह जो डेहरी से आरजेडी के विधायक हैं उनके द्वारा लगाया गया है। देखिए, वही फतेह बहादुर हैं जिन्होंने इसके पूर्व भी हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी थी, और 2 दिन पहले ये कहा कि सरस्वती जो हैं ये विद्या की प्रतीक नहीं है, और सरस्वती के बारे में भी अनाप शनाप बातें कही थी। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हों या चंद्रशेखर हों या दयानिधि मारन हों या उदय निधि हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। And I'm joined by my colleague Chandramohan, who's getting us this piece of breaking news. This coming in from the state of Bihar. Chandramohan ji, to phir Bihar ke alliance ke liye, Mahagathbandhan ke liye, Congress Party, JDU aur RJD, ye jab Ram Mandir politics hai, to Congress Party ke liye to aur problem create ho rahi hai unke allies ke dwara. बिल्कुल, और यही वजह है कि इस पोस्टर के सामने आने के बाद जेडीयू ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिसने भी यह पोस्टर लगाया है, फतेह बहादुर सिंह पहली बार विधायक बन के आए हैं और उन्होंने जिस तरह से देवी देवताओं को अपमानित करने की कोशिश किया है, इससे पहले भी वो लगातार बयान देते रहे हैं, और अब जब उन्होंने पोस्टर लगाया है तो वोट मांगने जाने से पहले उनको यह साफ कर देना चाहिए कि जिनके घर में भी देवी देवता की पूजा होती है या फिर जिनके इलाके में भी मंदिर बना हुआ है, क्या वो वहां पर वोट मांगने नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यह पोस्टर लगाकर सीधे तौर पर देवी देवताओं के ऊपर हमला किया और इससे पहले भी उनका बयान आते रहा है, ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है। ये जेडीयू ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया है तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में मुख्य गठबंधन है जेडीयू और आरजेडी के बीच में जो सरकार में है, और जेडीयू इसका विरोध कर रही है तो कहीं ना कहीं ये जरूर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए असहज जरूर बना रहा है, चाहे वो ये फतेह बहादुर का बयान हो या इससे पहले इनका जो बयान आया था वो, या फिर अभी जो पोस्टर लगे हैं वो। जी,
The rumblings continue in the opposition camp when it comes to the consecration ceremony in Ayodhya. Thank you, Chandramohan, for getting us that piece of break news coming in from Bihar. We will continue to track all the developments which are coming in. For now, a quick break. More news and updates on the other side.